what are different functions which we can perform with Weka? One important function is called प्री प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा को प्रिपेयर करना फॉर फर्दर हैंडलिंग या क्लासीफिकेशन क्लस्टरिंग के लिए हमारे डाटा को तैयार करना अब Weka जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है फॉर प्री प्रोसेसिंग टाइप थिंग्स अब हमारे पास होता क्या है अगेन मैं स्टार्ट करूंगा ये हमारे पास छह टैब्स थे इनमें पहला टैब है प्री प्रोसेस का अब हमने सबसे पहले ये देखा था कि जब हमने सेपल लेंथ हो या इस केस में पैटल लेंथ को क्लिक किया डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और ये उसकी विजुलाइजेशन आ गई आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन नाव मूविंग ऑन अब हम क्या चाह रहे हैं अब हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ प्री प्रोसेसिंग के फिल्टर्स लगाते हैं जो इस टैब में आएंगे फिल्टर से मुराद क्या थी कि जब हम ये फंक्शन लगाएंगे तो जो हमारे पैटर्न लेंथ की वैल्यूज़ हैं उनमें कुछ चेंज आएगी अब वो चेंज क्या आएगी लेट्स से देखना चाहते हैं जैसे लेट्स से मैंने फिल्टर पे जब क्लिक किया तो ये टैब ओपन किया वैका मेजर टैग उसमें फिल्टर्स उसमें अनसुपरवाइज एट्रीब्यूट ऑन इंस्टेंसिस ये टैब हमारे पास ओपन हो गया मैंने फर्दर क्लिक किया लेकिन उससे पहले इलट से मैंने इसको फाइल को ओपन कर लिया और वो मेरे पास ओपन आई अब हुआ क्या जब मैंने एट्रीब्यूट को क्लिक किया यानी कि जो मेरे पास टैब थे वैका फिल्टर अनसुपरवाइज और उसमें एट्रीब्यूट और मैंने क्या टैब किया मैंने कहा डिस्क्रिटाइज करो इससे मुराद क्या है कि जो पैटल के हमारे पास एट्रीब्यूट थे पैटल लेंथ के हम उन्हें से डिस्क्रिटाइज करना चाह रहे हैं डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो मैंने इस टैब पे क्लिक कर दिया अब मेरे पास होगा क्या इफेक्ट कुछ इस तरह की चीजें आएंगी कि ये हमसे पूछेगा कि ये जो डिस्क्रिटाइज का टैग है इसके पैरामीटर्स पैरामीटर्स को सेट करो ये ऑफ़ टैब टैब से मुरादी सिंपल जो है हमने भी जैसे बात की थी चूज जो है टैब का नाम है अच्छा अब हुआ क्या वो टैब के हमसे इंफॉर्मेशन लेट से इसको चला के देखते हैं अब हमने क्या किया यूज़ इक्वल फ्रिक्वेंसी हमने इसको भी फॉल्स कर दिया हमने इन वैल्यूज़ को सेट किया जो भी आप वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं ये हमने वैल्यू सेट की और एंड में हमने इनको ओके okay का बटन दबाया अभी इसको अप्लाई हमने नहीं किया इसको हमने अप्लाई किया तो ये इन्फॉर्मेशन बन गई हमारी अब आप देख सकते हैं हुआ क्या कि जो पैटर्न लेंथ है उसको हमने डिस्क्रीट फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट कर दिया कि जो हमारे पास लेबल्स बन रहे हैं वो ट्वेंटी थ्री वाला ये फोर्टीन का ये एलेवन ये और सोन तो हो क्या रहा है कि जो हमारे पास लेंथ है वन से 1.55 तक वो 14 इंस्टेंसेस हैं यानी कि जिसका काउंट नहीं है और माइनस वन तक है उसके तेईस इंस्टेंसेज हैं वन से वन तक एलेवन इंस्टेंसिज हैं 1.8 से 395 तक 14 एंड सॉन so तो हुआ क्या बेसिकली हमने बिन्स बना दिए डाटा के लेट्स से कि अगर हमारे पास पहले जो डाटा था जो अभी हमने थोड़ा पहले देखा भी सही लेट्स से वो हमारे पास स्टार्ट हो रहा था 0.3 से लेकर 5.05 तक लेट्स से ये था अब हमने क्या किया इसको डिफरेंट बिन्स में डाल दिया और इसे डिस्क्रीटाइज कर दिया डिस्क्रीट फॉर्म में ये है हमारा प्री प्रोसेसिंग का स्टेप के बजाय इसके डाटा को जेग जैक फॉर्म में हिस्टोग्राम की फॉर्म में लगाते हमने इसके डिस्क्रीट इंटरवल्स में या बिन्स की फॉर्म में शो कर दिए तो ये प्री प्रोसेसिंग मैंने सिर्फ एक फ़िल्टर लगा के दिखाया है और दो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स मौजूद हैं जो आपके पास जी में अवेलेबल होते हैं अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप इन फिल्टर्स को लें इस फाइल को बेशक सेम इस फाइल को ओपन करें इस पर डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करें और फिर ये वाली प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो इसकी एट्रीब्यूट हैं और फिर ये ग्राफ्स इनको कंपेयर करें और फिर देखें कि आपके प्रॉब्लम के लिए कौन सा जो फिल्टर है वो बेस्ट सूटेड है जो आपके प्रॉब्लम को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल हो सकता है